सीनियर टीचर भर्ती में बाकी पेपर के लीक होने की आशंका है। सामने आया है कि जिस बस में जीके का पेपर सॉल्व करते स्टूडेंट्स पकड़े गए, वो 4 दिन से उदयपुर में घूम रही थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि 24 दिसंबर की सुबह 3 बजे पकड़े जाने से पहले ये बस पहली बार 20 दिसंबर को उदयपुर आई थी। 21 दिसंबर को ग्रुप ए का जीके और सोशल साइंस का पेपर था। बस बार बार एक टोल से गुजरती हुई देखी जा सकती है। इस सीसीटीवी के आधार पर अब पुलिस गिरोह के सदस्यों से पूछताछ में जुटी है। पुलिस जांच में सामने आया कि 20 दिसंबर को सुबह यह बस गोगुंदा टोल नाके से सुबह करीब 10:22 पर गुजरी थी। 22 दिसंबर और 23 दिसंबर की दरमियानी रात करीब 1:39 फिर उसी टोल नाके से गुजरती है। सीसीटीवी फुटेज में 23 दिसंबर को रात 9:56 पर फिर टोल पर पहुंचती है। तीनों बार बस उदयपुर आते वक्त सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। बस उदयपुर से वापस किस रास्ते से गई, इसकी जांच अब की जा रही है। वहीं पेपर हल करते पकड़े गए 45 छात्रों को पुलिस ने रविवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से युवकों को 5 और युवतियों को 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। नकल गिरोह का सरगना सरकारी विद्यालय का हेडमास्टर सुरेश बिश्नोई है, और इसके साथ पुलिस ने 2 सेकंड ग्रेड सरकारी अध्यापक, 2 MBBS स्टूडेंट और 1 सरकारी विद्यालय में लिपिक को भी गिरफ्तार किया है। SP विकास कुमार शर्मा बताते हैं कि हेडमास्टर सुरेश बिश्नोई के पास एक पेपर था, उसमें बस में बैठे स्टूडेंट को एक एक पेपर की कॉपी दे रखी थी, सवालों को हल करवा रहा था। इसमें बेलगाम कर्नाटक स्थित मेडिकल कॉलेज में तृतीय वर्ष का स्टूडेंट भजन लाल, सेकेंड ग्रेड टीचर रायताराम चौधरी उसकी मदद कर रहे थे। बस को ड्राइवर नरेश बिश्नोई चला रहा था, साथ में बस मालिक पीराराम बिश्नोई भी बैठा था। बस में कोटा मेडिकल कॉलेज में MBBS के प्रथम वर्ष का स्टूडेंट गणेश जाट, जो प्रदीप खींचड़ की जगह डमी, और अशोक बिश्नोई जो लूणाराम की जगह डमी कैंडिडेट था। मुख्य आरोपी सुरेश कुमार बिश्नोई से पूछताछ की गई तो उसने बताया, उदयपुर में सुखेर के पास एक होटल में भी कुछ परीक्षार्थियों को पेपर हल करवा रहे हैं, जिस पर सुखेर पुलिस ने होटल हिमांशी पर दबिश दी तो वहां कमरा किराए पर लेकर 10 लोग पेपर हल करते मिले। यहां से मंगलाराम बिश्नोई, गोपाल बिश्नोई और सरकारी विद्यालय का लिपिक पुखराज बिश्नोई पकड़े गए। यहां पर सेकंड ग्रेड टीचर भागीरथ पालड़िया भी पकड़ा गया, वह अशोक कुमार बिश्नोई की जगह डमी कैंडिडेट था। वहीं होटल से भारमल बेनीवाल, कन्हैयालाल, मालम सिंह जाट, नानजीराम कलबी, भूपेंद्र कुमार प्रजापत और सविता कलबी को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा पकड़े गए 55 आरोपियों के परिजन भी उदयपुर आ गए हैं। वे रविवार को पुलिस लाइन के बाहर अपने बच्चों से मिलने के लिए चक्कर काटते रहे। पुलिस लाइन के बाहर भी भारी पुलिस फोर्स तैनात थी। किसी भी परिजन को छात्रों के पास नहीं जाने दिया गया। इधर नकल को रोकने को लेकर सरकार की ओर से बनाए गए सख्त कानून के तहत इन सभी आरोपियों पर रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है। परिजनों को जब पता चला कि उनके बच्चों पर इस कानून के तहत कार्रवाई होगी तो कई पुलिस लाइन के बाहर ही रोने लगे। बस में मेनका बिश्नोई, सरोज बिश्नोई, निवेदिता शर्मा, जयश्री बिश्नोई, संतोष, सोवनी कुमारी बिश्नोई, सुनील बिश्नोई, जगदीश कुमार जाट, नितिश बिश्नोई, श्रवण कुमार, रघुनाथ, सुनील बिश्नोई, सुखदेव, दिनेश बिश्नोई, मगनलाल जाट, भजनलाल बिश्नोई, गंगाराम मेघवाल, भैराराम, अर्जुन कुमार कुरेशी, सुभाष कुमार बिश्नोई, कपिल बिश्नोई, केहराराम बिश्नोई, नागेंद्र पुरोहित, अरविंद लाबूराम जांगेड, सांवलाराम जाट, सुरेश बिश्नोई, प्रकाश बिश्नोई, सुनील कुमार बिश्नोई, रमेश जाट, बद्राराम चौधरी, रमेश पुरोहित, महेंद्र कुमार प्रजापत, दिनेश चौधरी, कमलेश कुमार, सुरेश चौधरी, नागराज, रमेश राम को गिरफ्तार किया गया है।